ईडी की कस्टडी में एक मुजरिम और उसका रेफरेंस लेकर के आज एक स्क्रिप्ट रचा गया कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है। और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। क्योंकि आज दिल्ली की स्थिति अगर जाननी है मेरे भाई बहन, तो आप गलियों में जाकर देखिए, नालियों की स्थिति, पानी भरा हुआ, गली में आता हुआ, घरों में घुसता हुआ, घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं, ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद, 9 साल बाद। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है, अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन 9 साल बाद बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। दिल्ली अब आपके ऊपर विश्वास खो चुकी है और मेरा पूरा विश्वास है कि आज उन्होंने जो स्वयं स्वीकार कर लिया कि पिछले 9 साल से दिल्ली की व्यवस्था बद से बदतर होती गई है, फिर अब आपके लिए सहानुभूति का कोई भी न तो शब्द और न ही कोई प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। आपने जो